पहला राजाओं तीसरा अध्याय। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकेंगे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा।